जी स्वागत है आपका। आपसे आज हम जीएसटी की बारीकियां तो समझेंगे। आप इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, बहुत टेक्निकली आप समझते हैं, तो आप वो तो एक पहलू होगा। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, इन्वेस्टमेंट बैंकर था। ठीक। और दूसरा उसका पॉलिटिकल पहलू जो है, तो मैं उससे पहले शुरुआत करना चाहता हूं। इतनी बड़ी पहल हुई है, आपकी सरकार को ये श्रेय है कि 14-17 वर्षों से, 17 वर्ष अगर आप 2000 में जब पहली कमेटी बनी थी वहां से देख लें, जो मामला लटका हुआ था, जिसे एक सुर में सब कहते थे कि देश के हित में है, उसे आपकी सरकार ने लागू करवाया। ये आपकी क्रेडिट में जाता है। लेकिन वही लोग जिन्होंने आपका साथ दिया इस कानून को बनाने में, क्यों विरोध कर रहे हैं अब आपका? क्यों बॉयकॉट किया गया कल के सेशन? पहली बात तो हमने कभी क्रेडिट लेने की इसकी कोशिश नहीं की। हम सब अप्रिशिएट करते हैं कि ये संयुक्त प्रयास था सभी राजनीतिक दल इस देश के, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो, कोई राज्य में भी उनका भी सहयोग मिला, उनका भी समर्थन मिला जब ये कानून को पारित किया गया अलग अलग असेंबलीज में, पार्लियामेंट में। कई पार्टीज हैं जिनके शायद एक ही एमएलए हो पूरे देश में, पर उनका भी समर्थन मिला। तो एक प्रकार से, जैसा कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म का ये जीता जागता एक बहुत बढ़िया मिसाल है। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी इसका उल्लेख किया। साथ ही साथ कल के कार्यक्रम के बारे में अगर देखें तो वो दो तीन पार्टीज ही रह गई थी। वैसे भी जनता ने जिस प्रकार से उनकी हालत बना रखी है आज के दिन, मुझे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा ऐसा वर्ग ने बॉयकॉट किया ऐसा दिखता नहीं है। तीन पार्टीज रह गई थी, बाकी तो सब जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी हो, बाकी सभी पार्टीज लगभग आ गई थी। मुझे लगता है कि उसका भी स्पष्टीकरण आज मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, जयराम रमेश जी ने उसका भी स्पष्टीकरण किया कि हम जीएसटी के विरोध में नहीं है, लेकिन हमने कार्यक्रम में जाने से इनकार किया। तो ठीक है भाई, आपको एक देश सेलिब्रेट कर रहा है। मैं रात को 2-2.5 बजे तक टीवी देख रहा था, लगभग हर चैनल पे एक देश भर में उत्साह का माहौल था, उत्सव का माहौल था। उसके बावजूद अगर उनको उस सेलिब्रेशन में श्रेय नहीं लेना था, हम तो पूरी तरीके से इसको बांट के श्रेय दे रहे थे, तो दुर्भाग्य की बात है। उसका जनता देख रही है, जनता खुद उसका निर्णय करे कि उसका सही था या गलत था। नहीं, लेकिन जैसे राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये एक अधपका कानून है, अधपका जीएसटी आप लोगों को दे रहे हैं और एक संवेदनहीन सरकार है। सबसे पहले तो अगर कोई वास्तव में देश की और जनता की चिंता करता है तो पहले देश में आए और फिर बात करें। लेकिन फिर भी वो कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और तो वो विदेश में बैठे हुए टिप्पणियां करना नासमझी से, उसका क्या जवाब दे सकते हैं? समझने के लिए आना तो पड़ेगा ना। वैसे समझने की कैपेसिटी कितनी है वो मुझे नहीं। आप यहां से लेकर उनको कोशिश तो कर सकते हैं समझाने की। वो ये क्यों वो कह जरूर रहे आए, मैं तो कल मिलने को आज मिल लूंगा, मेरा कार्यक्रम छोड़ के मैं आज मिल लूंगा। अगर वो आए बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते, बड़े सरल शब्दों में, जो उनको मुश्किल भी नहीं होगा। ये वो जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये हाफ बेक्ड जीएसटी है, असली जीएसटी नहीं है और तैयारी नहीं है। ये जीएसटी काउंसिल ने तय किया है पूरा जीएसटी का पूरा ढांचा, जिसमें 6 मुख्यमंत्री के रिप्रेजेंटेटिव, अभी भी 6 राज्य सरकार उनकी चल रही है, आगे का पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज के दिन 6 राज्य सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्रियों ने डिप्यूट किए हुए फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल की हर बैठक में रहते हैं। यूनैनिमसली ये पूरा ढांचा और सभी कुछ तय किया गया, तो मुझे पता नहीं वो अपने खुद के मुख्यमंत्री और उनके खुद के राज्य सरकारों की टिप्पणी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। पर इसमें भी कोई असंभव नहीं है, पहले भी कई बार हुआ है, एक प्रधानमंत्री ने पारित किया हुआ कानून हम सबने फाड़ते हुए देखा था, आपको याद होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अपने खुद की सरकारों की टिप्पणी करें तो वो तो उनको पूरा अधिकार है, पर मुझे लगता है पूरे देश ने इसका स्वागत किया। तो लोगों को उनकी आपत्तियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, जो वो मतलब कोई समझदार आपत्ति हो तो हम भी ध्यान देंगे, जनता भी देगी, आप भी देंगे। कोई एक आध समझदारी की कोई आपत्ति हो तो जरा बताएं मुझे। जी नहीं, जैसे वो ये कह रहे हैं कि आप कोई पहले पायलट प्रोजेक्ट चला लेते, इसका 3-4 महीने का वक्त दे देते। अब अगर आपके हिसाब से समझदारी है तो मुझे तो वैसे मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो बात की मान लिया, पर अगर आपको लगता है कि पायलट प्रोजेक्ट ऐसी चीज का हो सकता है तो जरा आप ही इसका मुझे जवाब दे दीजिए कि पायलट प्रोजेक्ट टैक्सेशन में कैसे चलता है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होगा कि आप, मैं भी हेयरकट लेके आ रहा हूं, तो क्या वो पायलट प्रोजेक्ट में वो हेयरकट वाला बोलेगा आज मैं पायलट जीएसटी आपके ऊपर लगा रहा हूं, बाद में तय होगा 2 महीने बाद कि जीएसटी कितना लगना चाहिए। मैं आज पायलट आपको बिल दे रहा हूं, 2 महीने बाद आप फिर आना आपके फाइनल बिल के लिए और हम अकाउंट एडजस्ट करेंगे 10-20 रुपए का। मैं तो हैरान हूं किस प्रकार से
मुझे तो लगता था वहां भी कुछ वरिष्ठ लोग लॉयर्स बड़े 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 वकील हैं, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पर जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से शायद एकाध व्यक्ति की समझ और पूरी पार्टी की समझ में बहुत अंतर है। यानी आप राहुल गांधी को ना समझदार कह रहे हैं और पार्टी में कुछ समझदार लोग हैं ये कह रहे हैं? मैंने कोई नाम तो लिया। अच्छा, आप अगर ऐसा सोचते हैं तो अलग बात है। अच्छा, उनका जैसे अब मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक आपत्तियों की, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते थे कि जो रेट है इस पर एक कैप होना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया। अब वो 18% पर कैप चाहते थे कि इससे ऊपर किसी चीज़ पर ना। इसमें भी मुझे लगता है जनता की आम राय ले ली जाए। अगर उनके हिसाब से चलते, जिस प्रकार से उन्होंने एक बड़ा हल्ला करने की कोशिश की कि पता नहीं शायद 18% से ज्यादा कोई रेट नहीं होना चाहिए कुछ, तो रेवेन्यू न्यूट्रल रहने के लिए, और मुझे लगता है शायद वित्त मंत्री जी ने भी इसका खुलासा किया होगा कि तरीका यह अपनाया गया कि जो जो एग्जिस्टिंग रेट है उसके नियरेस्ट फिटमेंट की जाए। कुछ नासमझ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये हाफ पेक्ट है, जैसे आपने कहा एक ही रेट होना चाहिए था देश में। अब आप लोग तय करें कि इस देश में क्या BMW या मर्सिडीज कार खरीदने के ऊपर टैक्स रेट, और एक गरीब आदमी जो अनाज खरीदता है या कोई गरीब आदमी रबर की चप्पल खरीदता है, इन दोनों के ऊपर टैक्स रेट सामान्य हो सकता है और डिजायरेबल है? क्या इस देश में जहां पे आज भी कई लोग दो वक्त की रोटी के लिए मेहनत, दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी कोई चिंता करेगा कि नहीं? ये अलग बात है कि कांग्रेस ने चिंता करनी शायद बंद कर दी है, जिसके कारण अभी भी उनके कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये तो एक ही रेट होना चाहिए था, ये हाफ पेक्ट है, कैप होना चाहिए था। भाई BMW कोई खरीदता है तो 10-20 लाख उससे तो ज्यादा ही लेके किसी गरीब की झोपड़ी में बिजली का बल्ब लगना चाहिए, किसी गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारी सरकार की तो प्राथमिकता ये है गरीबों का, मध्यम वर्गीय लोगों का ध्यान रखा जाए, उनके जीवन में उजाला है, उज्ज्वला है, उनका जीवन और बेहतर हो। आखिर यही जनता है जिसने गिव इट अप, और मैं समझता हूं इस कमरे में बैठे हुए अधिकांश लोगों ने अपनी LPG सब्सिडी गिव इट अप के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के एक आह्वान पे छोड़ी थी। आज कितनी संतुष्टि मिलती है कि मैंने सब्सिडी छोड़ी, उससे एक गरीब महिला, कोई मेरी बहन के यहाँ पे लकड़ी से कोयले से आग नहीं जलती है, LPG के सिलेंडर की कनेक्शन उनको मुफ्त में मिली जिससे उनके स्वास्थ्य अच्छा होगा। मुझे लगता है संतुष्टि हर टैक्स पेयर के ऊपर, हर टैक्स पेयर के दिमाग में रहती है जब वो कर पे करता है। जी, आप देखते हैं पेपर में भी जैसे आ रहे हैं, TV पे भी कई इश्तिहार आ रहे हैं, जो व्यक्ति जब टैक्स पे करता है वो एक गर्व से सोचता है कि मैंने इस देश के गरीबों के उद्धार में, उनके जीवन को सुधारने में मेरा भी योगदान है। लेकिन जो बात आप समझ रहे हैं, जो बात जनता समझ रही है, ये राहुल गांधी क्यों नहीं समझ रहे? 2014 में जनता ने उसका भी जवाब दे दिया। अभी अभी हाल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर सब जगह आपने देख लिया, तो मुझे लगता है जल्द वो भी समझने लग जाएंगे। बहुत जल्दी समझ जाए वो भी अच्छा नहीं है। आपके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, उनकी एक आप, मैं इसके बाद उनकी एक आपत्ति और विपक्ष की बात कर रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, GST की डिटेल में बात करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो ये कल आयोजन किया, प्रोग्राम किया है, उन्होंने कहा ये तमाशा है, मोदी सरकार तमाशा कर रही है, रात को 12 बजे क्यों सभी सांसदों को बुला रखा है, पूरी दुनिया को जगा रखा है, आपने इसको ऐसे प्रस्तुत किया जैसे कोई हमारी कोई और नई स्वतंत्रता मिल रही हो? मुझे लगता है वो जो वरिष्ठ लोग, अधिकांश सांसद थे वहां पे, अलग अलग दलों के सांसद थे देश भर के, कुछ उसमें ऐसी पार्टियां भी थी जो उनके कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकारें चलाती हैं, तो शायद ये चमाटा वो अपने खुद के मित्रों के पास, जो वरिष्ठ लोग थे वहां, रतन टाटा जी थे वहां पे, RBI के गवर्नर थे वहां पे, बड़े बड़े विशेषज्ञ आए थे, लघु उद्योग के, मध्यम वर्ग, मध्यम उद्योग के अलग अलग संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी थे। तो मैं समझता हूं अगर कांग्रेस के सबसे सर्वोच्च नेता इन सभी को तमाशा वाले बोलना चाहते हैं, उन सभी की उत्साह को तमाशा का रूप देना चाहते हैं, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं समझता हूं अभी भी समय है, पूरा देश इसके साथ जुड़ रहा है, सोच समझ के जुड़ रहा है कि देश हित में है, जनता के हित में, सोच समझ के जुड़ रहा है कि कुछ दिनों में कठिनाई दूर हो जाएगी। कठिनाई आना तो स्वाभाविक है, कोई ये जादू की छड़ी नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा रिफॉर्म जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है इस देश की अर्थव्यवस्था को, जो गांव गरीब में एक नया परिवर्तन ला सकता है,
इतना बड़ा रिफॉर्म जो अमेरिका तक करने की साहस नहीं कर सकता। आज भी अमेरिका में जीएसटी नहीं है, भारत ने साहस किया, भारत के सभी नेताओं ने मिलकर साहस किया, उनके भी चीफ मिनिस्टर उस साहस में शामिल है, कम से कम उनको तो बधाई दे दे, छोड़ो और किसी को दे ना दे, उनको ही बधाई दे दे। अच्छा, अब एक चिंता यह है पीयूष जी, जैसे नोटबंदी के वक्त लोगों को बहुत तकलीफ हुई, परेशानी हुई, लोगों ने उस परेशानी को समझ के लिया कि ये देश हित में है, ठीक, इससे देश में कालाबाजारी और भ्रष्टाचार खत्म होने का एक और मार्ग होगा, और ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है। तो आप मेहरबानी करके जनता के परिश्रम को, जनता के जो समर्थन और आशीर्वाद मिला, उसको परेशानी परेशानी में बार बार मत नहीं, लोग कई आपके टीवी चैनल वाले तो अलग अलग चैनल वाले तो लोगों को माइक मुंह में डाल डाल के बोल रहे थे परेशानी है परेशानी है, तो भी जनता बोलती थी नहीं हम खुश हैं। चलिए परिश्रम कह देता हूँ, परेशानी नहीं परिश्रम कह देता हूँ। तो जितना परिश्रम लोगों को करना पड़ा नोटबंदी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद, क्या हम कुछ अगले महीनों के लिए खुद को वैसा ही तैयार करें, उतनी ही कसरत करनी पड़ेगी हमको? कितनी कसरत करनी पड़ेगी वो तो आस्ते आस्ते मालूम पड़ेगा, लेकिन एक कहावत है अंग्रेजी में, द रोड टू प्रोग्रेस, द रोड टू चेंज, द रोड टू अ बेटर फ्यूचर इज डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, इट गेट्स बेटर एंड अल्टीमेटली इट्स ब्यूटिफुल। आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं, जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, हमारे यहाँ कई माता बहने हैं, बड़ा उत्साह होता है हर एक को कि मेरा खुद का घर हो। इस सरकार ने तय किया है कि 2022 जब भारत आजादी के 75 वर्ष का जश्न, उत्साह, और शायद उस दिन भी कुछ मित्रों को तमाशा दिखेगा पर हम तो उसको भी उतना ही उत्साह से सेलिब्रेट करेंगे, उस दिन तक हम चाहते हैं कि हर एक के घर में छत हो, उसमें बिजली हो 24 घंटे, पेयजल हो, शौचालय हो, स्वास्थ्य सेवाएं मिले, शिक्षा मिले। अब इस सपने को पूरा करने के लिए क्या इस देश से भ्रष्टाचार, काला धन, काला बाजारी खत्म करना आवश्यक है कि नहीं है? और ये देश समझता है इस बात को। पर जब बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग बनने के लिए पहले तो खड्डा ही खोदना पड़ता है ना, खड्डा खोद के उसमें से गंदगी और मैल निकलती है, उसको ठिकाने लगाना पड़ता है। खड्डे में एक अच्छी फाउंडेशन बनती है, फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग में कचरा धूल सब निकलता है कि नहीं, सीमेंट का धूल कचरा, जब रेती लगती है, जब स्लैब कास्ट होते हैं, आप सबने देखा है अपने मोहल्ले में कोई कंस्ट्रक्शन होते हुए, तो क्या बड़ा आसान होता है वहां पे? हम भी तो मुंह फेर लेते हैं कि जरा मट्टी हमारे ऊपर नहीं जाए, लेकिन जब सुंदर बिल्डिंग बन जाती है और जब हमारी बहन उसमें जाके वहां पे पूजा करती है, उसके उसके गृहपल्टा पे गृह प्रवेश करती है, या जो एंट्री होता है घर का, जब वहां पे अपने भगवान की फोटो, कोई क्राइस्ट की लगाता है, कोई अलग अलग धर्मों के मैसेजेस लगाता है, कोई अपने भगवान राम की चित्र लगाता है, कोई गणेश जी की पूजा करता है, तो उस समय का जो उत्साह है, उस समय थोड़ी याद रहता है कि कितनी तकलीफ हुई थी, खड्डा खुदा था, फाउंडेशन बनी थी, बिल्डिंग बनी थी, सीमेंट का काम हुआ था, फिर हम सब भूल जाते हैं, हम तो एक सुंदर घर देखते हैं, और वो सुंदर घर बनाने के लिए वो खड्डे खोदने से काम शुरू करना ही पड़ेगा। तो ये आधा खड्डा जो है वो पहले आपने नोटबंदी में खोद दिया, आधा आप जीएसटी में खोद रहे हैं, आधा आधे कि और कोई किस्त बाकी है? देखिए ये एक प्रवाह है, जिस दिन कोई भी व्यक्ति सोचे कि बस अब सब कुछ परफेक्ट हो गया, अब आज के बाद कोई तकलीफ नहीं है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अनपढ़ या ना समझने वाला ही व्यक्ति हो सकता है। लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ फ्लक्स, एक तरीके से इस जर्नी, इस प्रवाह में चलते ही रहेंगे। आखिर पानी गंगा माँ के अंदर, जब गंगा माँ का जो प्रवाह है उसमें पानी जाता है, आप कितनी भी की उसकी गंदगी खत्म कर दो तो पानी तो आगे जाएगा, दूसरा पानी आएगा ही ना, उसकी भी गंदगी बंद करते रहना पड़ेगा। तो ये तो एक जर्नी है और इस देश को उस जर्नी से गुजरना है। बहुत अहम कदम इस सरकार ने लिया है, पहली कैबिनेट से मई 26, 2014 को ये सरकार बनी, उस दिन से लगातार काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी जी काम करते रहे और ये काम का प्रवाह आगे भी चलते रहे। ठीक, कुछ सवाल हमें और शहरों से भी आए, तो लखनऊ के कुछ कारोबारी सवाल पूछना चाहते हैं पीयूष गोयल जी से, सवाल सुनते हैं। जीएसटी हमको आपको थोप दी गई, हमको बताया नहीं कि जीएसटी है क्या,
इसका आगे क्या अंजाम होगा, हमारा फायदा होगा कि हमारा नुकसान होगा, हम अपना फॉर्मेट पूरा चेंज करें, कस्टमर को रसीद देते हैं वो रसीद किस तरह से बनेगी, कौन हमको गाइड करेगा, सीए के पास जाओ सीए भी कहता है हमको ठीक से पता नहीं है, वकील के पास जाओ तो वकील बोलता है हमको ठीक से पता नहीं है, तो फिर पता किसको है। यूजी सवाल आपने सुन लिया, लोग अभी एजुकेटेड नहीं है, किस टाइप के वकील के पास गए होंगे मुझे इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वो भी कई उसी प्रकार के वकील नहीं हो जिनको कल का जश्न और कल का उत्साह तमाशा लगा। लेकिन देखिए सब लोग इसको भली भांति समझ लें जो मैं अभी 2-3 मिनट में आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात तो है ये शंका निकाल दो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे सरल सिस्टम शायद विश्व में किधर नहीं होगा जो इस GSTN में बनाया गया। बदलाव के समय समझने में थोड़ा समय लग सकता है, और अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इनको बोलता है मुझे समझ नहीं आया तो मुझे उसकी डिग्री चेक करवानी पड़ेगी। आज देश में 2.5-2.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन काम कर रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने तो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं सीए की उनको भी ट्रेन किया, एक सरल प्रोग्राम बनाया जिसमें वो अनजान आदमी आप चाहे तो उस प्रोग्राम में चले जाए, आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे उनको एडवाइस देने के लिए। देश भर में 200 से अधिक स्थानों पे हेल्प डेस्क बनाई है जो मुफ्त में मदद करेंगी, कोई चले जाए वहां रजिस्ट्रेशन करने में, फॉर्म भरने में, सभी कुछ। अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हेल्प डेस्क बनाई है, सरकार ने अपने जितने सरकारी दफ्तर है चाहे वो लोकल स्टेट गवर्नमेंट का वैट ऑफिस हो, ऑक्टॉय ऑफिस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ऑफिस हो, सर्विस टैक्स ऑफिस हो, सब जगह आप मुफ्त में हेल्प डेस्क लगा रखिए। हाँ, अगर आप कोई सोचे कि भाई मैं तो अपने गले पे बैठा रहूंगा, मैं तो कोई मेहनत करूंगा नहीं, बस परिवर्तन आके मुझे छू जाए और मेरा देश अच्छा सुंदर बना दे, तो ये तो असंभव है ना। स्वच्छता के लिए भी हमें 2 कदम आगे तो बढ़ना पड़ेगा, 2 हाथ तो बटाने पड़ेंगे। तो एक स्वच्छ भारत की तरफ जाने के लिए आप क्यों वकील और सीए के पास जा रहे हो, अगर आपको अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं सरकारी दफ्तर में चले जाओ। और वास्तव में तो सभी कुछ हमने इश्तिहारों में दे रखे हैं, देश भर के अखबार में सब डेटा दिया, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसका डेटा दिया, क्या रेट आपको अप्लाई होता है, FAQs 500 से अधिक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जवाब अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है, जिसको चाहिए दूर भी नहीं जाना FAQ पढ़ लो, उसके भी इश्तिहार दिए जा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट्स अलग अलग क्वेश्चंस के क्या होने चाहिए। अच्छा, सिस्टम इतना सरल है, मैंने भी व्यापार किया, जब मैं छोटा था कॉलेज में था तब मैंने उद्यमी के नाते एक फैक्ट्री लगाई थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मुझे अभी भी वो दिन याद है, एक्साइज ऑफिसर अलग आता था, सेल्स टैक्स ऑफिसर अलग आता था, एंटी टैक्स ऑफिसर अलग आता था, और ऐसे 17 टैक्सेस को इसमें सम्मिलित किया गया, शायद 20-22-23 सेसेस को भी सम्मिलित किया गया। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिटर्न भरो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेटा रखो, हर एक का अलग फॉर्मेट होता है, मैं तो सेल्स रजिस्टर भी 4 बनानी पड़ती है, अलग अलग रिश्वत, एक्साइज के लिए अलग सेल्स रजिस्टर, सेल्स टैक्स के लिए अलग, सर्विस टैक्स के लिए अलग, अलग डेटा, अलग फॉर्मेट, अलग इंफॉर्मेशन। अब आपको क्या करना होगा, ये सब परेशानी खत्म, उसके बदले आपको मात्र और मात्र सिर्फ एक सेल्स रजिस्टर बनानी है, एक ही फॉर्मेट, और उसका भी वैसे फॉर्मेट कोई निर्धारित नहीं है, आप कोई फॉर्मेट में बना लो, लेकिन उसमें जो आपका परचेजर है और परचेजर का जो GST नंबर है वो 2 डालना आवश्यक है, और कितने अमाउंट के गुड्स बेचे और उस पर कितना टैक्स कलेक्ट किया, ये 4 फील्ड्स बेसिकली आवश्यक। एक बार सेल्स रजिस्टर बन जाए उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कुछ लोगों द्वारा जो टेक्निकल इश्यूज खड़े करते हैं, सो कॉल्ड टेक्निकल इश्यूज, कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है, एक भी रिटर्न नहीं फाइल करना है, 37 तो दूर की बात है, सब रिटर्न्स ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा बनेंगे, सिस्टम में भी सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ चार्ज सरकार देने को तैयार है। आगे चल के अभी अभी वित्त मंत्री जी बता रहे थे कि आपके फोन के ऊपर ही आप ये डेटा डाल सकते हो, जो छोटे काम व्यापार करते हैं या उद्योग चलाते हैं 20 लाख रुपए तक की सेल्स है उनको तो GST से ही बाहर रखा गया, नंबर भी नहीं लेना, कुछ नहीं करना, 20 लाख तक की सेल हो तो 20 से 75 लाख को आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में मात्र सेल्स रजिस्टर बनानी है, सेल्स के ऊपर ट्रेडर हो तो 1% व्यापारियों के लिए, मैन्युफैक्चरर हो तो 2% कॉम्पोजिट टैक्स भर दिया, आपके कहानी खत्म। और बाकी भी
कोई रिटर्न आपने मेहनत नहीं करनी है, आपने सेल्स बना दिया तो आपकी परचेज रजिस्टर अपने आप बनेगी, दूसरों के सेल्स रजिस्टर में से जिससे भी आप सामान खरीदोगे आपकी परचेज रजिस्टर बनती रहेगी। ठीक, लेकिन फिर उन दोनों का मैचिंग होकर आपका टैक्स जीएसटी लायबिलिटी अपने आप बन जाएगी। तो ये भ्रमित करने की अगर कोई कोशिश करे या आपको बिना बात अनाप शनाप चार्जेस लगा के कंसल्टेंट बनने की कोशिश करे तो उसके बदले आप सीधा सरकारी ऑफिस में जाओ, उनकी मदद से पूरा काम करो। कोई आपको तंग करे, हैरेस करे तो तुरंत अपने जनप्रतिनिधि को बताओ या सीनियर अधिकारी के पास पहुंच जाओ, हम सब तट पे रहेंगे 2400 घंटे आपकी सेवा में। जिन लोगों को प्रैक्टिकली ये रिटर्न्स बनानी है या जानकारियां देनी है रिटर्न अपने आप जिनको भी जानकारी अपलोड करनी है, जो फॉर्मेट है उसके बारे में कुछ ऐसे कारोबारी ने सवाल पूछा है फॉर्मेट पर ही, हो सकता है उस सवाल का जवाब आप दे चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी सुनते हैं वो सवाल। पटना से ये प्रश्न है। मैं पीयूष गोयल जी से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जो ये जीएसटी की जो बातें जो हैं बहुत तो कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट है माइंड में, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है कि जो बिल बनती है जो हम कस्टमर को देते हैं उसकी फॉर्मेट क्या होगी, इसके बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। ये जीएसटी नेटवर्क है जहां पर जाकर के इनको एक्सेस करना पड़ेगा। फॉर्मेट तो पब्लिकली अवेलेबल होगा, और जहां तक सवाल है फॉर्मेट का मेरे ख्याल से तो आ गया होगा, अगर कोई उसमें नहीं भी आपको मिला है तो आपको क्या है सेल्स क्या आइटम की कर रहे हो वो दिखानी है, उस पर कितना टैक्स लगा रहे हो वो दिखाना है, और कुल अमाउंट उपभोक्ता को देना है। मेरे ख्याल से इसमें कोई आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट के ऊपर हम स्टिकी नहीं है। डेटा होना चाहिए कि आपने किसको बेचा, उनका जीएसटी नंबर क्या है, अगर वो भी आगे बेचने वाला हो या उसमें कुछ काम करने वाला, बिजनेस टू बिजनेस। अगर उपभोक्ता, मैं जैसे अभी बताया हेयर कट लेके आ रहा हूं तो मुझे कोई उससे मेरा जीएसटी नंबर थोड़ी पूछा, बिल में लिखा इतने रुपए हेयर कट के, उसके बाद 18% मुझे चार्ज किया और कुल अमाउंट मेरे से क्रेडिट कार्ड से ले लिया, कहानी खत्म हो गई। कोई फॉर्मेट की उनको तो तकलीफ नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आज हेयर कट फ्री है क्योंकि फॉर्मेट नहीं है मेरे पास। तो कठिनाई हम अपने ऊपर अगर सोचे कठिनाई है तो कठिनाई है, उसके लिए भी ये जीएसटी काउंसिल जिसमें सभी पार्टियां बैठती हैं उन्होंने मिलकर कहा कि भाई 2 महीने तक किसी प्रकार का पूछताछ नहीं होगी, आप लोग को आराम से समझने के लिए समय दिया जा रहा है, कोई गलती भी हुई तो उसको रेक्टिफाई कर देना, कोई आपके ऊपर जुर्माना नहीं है, कोई आपको तकलीफ नहीं देगी। आप सोचिए जब इतना बड़ा परिवर्तन हो तो एकदम परफेक्शन से अभी वित्त मंत्री जी ने बताया 85 लाख ऐसे लोग हैं जो टैक्स पहले भरते थे, हो सकता है उसमें से कुछ को अब नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि उनकी सेल 20 लाख से कम हो, पहले तो सेल टैक्स वगैरह कम अमाउंट पे भी भरनी पड़ती थी सेल पे, हो सकता है अभी कुछ नए लोग आ जाएंगे जो पहले शायद टैक्स नहीं भरते थे, अब ध्यान में आएगा कि नई व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से बनाई गई है कि अगर आपने टैक्स इवेड करने की कोशिश की तो दूसरों के टैक्स रिटर्न में से अपने आप ट्रिगर आ जाएगा। यही टैक्स भरने की आवश्यकता, जिन लोगों ने आज तक टैक्स दिया नहीं, जो किसी भी खाते से जुड़े नहीं हुए, वो अगर अपने आप को इस जीएसटी नेटवर्क के साथ नहीं जोड़ते, वो पहले की तरह ही चलना चाहते हैं, तो उनको आप कैसे पकड़ेंगे? देखिए बहुत सरल तरीके से मैं आपको उसका भी बता देता हूं, अगर यहाँ कोई व्यापार जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको ध्यान में होगा, पहले ऐसा नहीं कि सब लोग, कई लोग 2 बही खाते रखते थे, 2 अकाउंट बुक्स रखते थे, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल, एक टैक्स एक नो टैक्स, और ये व्यवस्था दुर्भाग्य से कुछ लोगों को तो इसलिए करनी पड़ती थी कि भाई मार्केट में 10 लोग में 2 लोग चोरी करते हैं, 8 ईमानदार लोग कम्पीट ही नहीं कर पाते थे, जो चोरी करते हैं उसका दाम सस्ता होने के कारण ईमानदार लोगों को भी या तो चोरी करनी पड़ती है या उनको धंधा बंद करना पड़ता है क्योंकि कॉम्पिटिशन अनफेयर हो जाती है। जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, उद्यमियों को ये होगा कि अब अलग अलग स्टेट्स में भी एक ही रेट होगा, ऐसा नहीं कि कोई बाजू वाला स्टेट सस्ती टैक्स कर दे तो मेरा धंधा चौपट हो जाए, और कई जगह हुआ कोई स्टेट में टैक्स कम होता था, हम आप लोग में से कई लोग याद करेंगे गाड़ियां भी लोग इधर उधर खरीदते थे, यूपी जाके खरीद लो या हरियाणा खरीद लो, दिल्ली में रेट ज्यादा है, ये सब कहानियां खत्म। और एक प्रकार से
आगे चल के सभी को ईमानदार व्यवस्था में जुड़ने का इसलिए भी प्रोत्साहन होगा कि अगर मैं ईमानदार व्यवस्था में नहीं जुड़ा और मैंने अपना टैक्स नहीं भरा, लेकिन किसी ने तो वो सामान बनाया होगा, सामान शुरू हुआ उधर उसका जीएसटी नंबर के हिसाब से किसी को बेचा, उसने आगे मुझे बेचा, मैंने अगर आगे नहीं बेचा लेकिन उसके बेचने के ऊपर मेरी परचेज है, ये सिस्टम में रजिस्टर हो जाएगी। तो सिस्टम अपने आप बताएगा कि भाई ये व्यक्ति ने परचेज तो किया, उसके बाद इसका आगे क्या किया और सिस्टम में कुछ दिख नहीं रहा, तो एक ट्रिगर आ जाएगा और पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ की। मैं आपको साधारण उदाहरण की बात कर रहा था, पहले क्या होता था, बिल्टी बनती थी, ट्रांसपोर्ट रिसीट, ट्रक में माल जाता था, शुरू होता था प्रॉपर इनवॉइस के साथ, बिल के साथ, बीआर बनता था, बिल ऑफ रिसीट या जो भी बोलते थे, डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद उसको फाड़ दिया जाता था और वो माल का कोई अकाउंट नहीं, कोई टैक्स नहीं भरा जाता। अगर कोई चेक पॉइंट पे कोई देख ले तो फिर उसको फाड़ते नहीं थे, उसको अकाउंट फोर कर देते थे। एक पुराने जमाने की समस्या थी और ये चेक पॉइंट्स में धुआं हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, लंबी कतारें लग रही हैं, वो अलग नुकसान था। भ्रष्टाचार का समस्या अलग थी, हम ट्रांसपोर्ट 15,000 देते थे तो उसका एक बड़ा अंश इलीगल जाता था, भ्रष्टाचार में जाता था। अब ये आएगा कि अगर ये व्यक्ति अच्छा, और इनकम टैक्स में तो खर्चे दिखाने पड़ेंगे ना, या मार कर नहीं पड़ेगी तो इनकम टैक्स में तो 33% की मार पड़ेगी, तो आदमी को अपना दिखाना तो पड़ेगा, खर्चा किया तो ट्रक वाला दिखाएगा कि मैंने डीजल खरीदा, 10 बार डीजल खरीदा, ऊपर नीचे मेरा ट्रक गया, मुंबई से दिल्ली वापस आया, पर कोई सेल तो किया नहीं, कोई माल तो मैंने ढोया ही नहीं। तो अपने आप एक कंप्यूटर बताएगा कि अच्छा आपको बड़ा शौक है पेट्रोल फुकाने का कि अप एंड डाउन ट्रक कर रहे हो और माल ही नहीं बेच रहे हो उसमें, तो अपने आप पकड़ में आएगा कि बताओ ये ट्रक में क्या माल गया। ठीक, तो एक प्रकार से सिस्टम ड्रिवन व्यवस्था जिसमें अधिकारी आपको आके तंग ना कर सके, ये इसमें से बनाई गई है। मैं वास्तव में जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्य और अधिकारियों को तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा मैसेज है कि अब बेईमान रहना या टैक्स न देना आपके पास विकल्प नहीं है। कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहते हो पीयूष जी से, माइक दे दीजिए। हेलो सर, दिस इज अ वेलकम मूव एंड आई कांग्रेट गवर्नमेंट। The only problem I see is so many speculations going on and people spreading rumors. What, where BJP lacked was, it could have conducted more seminars in advance to educate the normal person. Like I'll tell you my practical problem. Sir, आप सवाल अपना अगर हाँ सवाल मेरा ये है तो लोगों को समझने में आसानी होगी कि जैसे बाकी लोग तो anticipate कर रहे हैं problems क्या आएंगी, मैं एक व्यक्तिगत problem face कर रहा हूँ। मैंने 15% service tax charge किया हुआ six months के लिए 1 अप्रैल से। अब इस बात का जवाब 4 महीने हो चुके हैं, अब इस वजह से वो जो टैक्स है सर्विस 18% हो गया है सर, ठीक है, एडिशनल 3% कंपोनेंट ना तो मुझे मेरा क्लाइंट देगा, am I right? अब जो पुराना अगर उसको वो जो हो चुके ट्रांजैक्शन उसको अगर वेव ऑफ कर दिया गया है, इसके लिए एक हेल्प डेस्क हो, क्लैरिटी हो, बिकॉज समथिंग हैज नॉट कम इन ओपन डोमेन फॉर सीएस आल्सो। हेल्प डेस्क का मैंने कहा सीएस ने हेल्प डेस्क बनाई है, एसोसिएशन ने बनाई है, सरकार ने हेल्प डेस्क बनाई है। आपकी जानकारी के लिए जनवरी से अभी तक 5,000 से अधिक सेमिनार्स किए गए हैं देश भर में, 5,000 से अधिक डिपार्टमेंट्स द्वारा, जिसमें अधिकारी जाते हैं, खुला मंच होता है, कोई आके कोई सवाल पूछ ले। अब आप दिल्ली में रहते हो भाई साहब, इतने इश्तिहार होते हैं, इतना डेटा होता है आपका, कोई पुराना आप अगर पहले से काम करते हो तो कोई अफसर दफ्तर तो होगा ना, सर्विस टैक्स ऑफिस, थोड़ा सा मेहनत करके यहां से निकलने के बाद वहां चले जाना, उधर हेल्प डेस्क होगी जरूर, वो आपको गाइड कर देगा। और दूसरी बात सब लोग समझ लें कि ये 15 से 18 हुआ इसका ये मतलब नहीं कि 3% टैक्स बढ़ा है, ये आप सब लोग समझ लें। आप जहां जहां जाते आप ये सवाल पूछिए, अगर कोई आपको कहने की कोशिश करे, और मैं आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कोई अगर आपको बोले कि भाई अब 15 से 18 हो गया, मेरा टैक्स बढ़ गया, आप 3% ज्यादा दो, तो उसको पूछो जो जो सामान आप खरीदते हो, जो जो आप सर्विसेज लेते हो किसी से, कोई आपके यहाँ सिक्योरिटी सर्विस देता है उसकी सिक्योरिटी का बिल है, कोई हाउसकीपिंग सर्विस देता है उसका बिल है, कोई आप किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट करते हो कोई काम उसका बिल है, उस सब पे जो आपने टैक्स भरा उसका क्रेडिट आपने जोड़ो और फिर मेरे ऊपर चार्ज लगाओ।
तो अगर 15 का 18 हुआ तो बेसिक कॉस्ट कम होनी चाहिए, क्योंकि अब बेसिक कॉस्ट में बहुत क्रेडिट्स भी मिल रहे हैं। तो हम सब जनता को भी सतर्क रहना पड़ेगा और अपना जो भी सामान लेने जाए उसके बारे में आप जानकारियां भी ट्वीट करें तो हम भी उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। और उसी के लिए एक एंटी प्रॉफिटियरिंग कानून या व्यवस्था भी बनाई है। ठीक, एक ऐसा ही सवाल लुधियाना से आया है, कपड़ा व्यापारी हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं, सुनते हैं सवाल। हमारा कपड़े का कारोबार है, हम लोग बहुत परेशान हैं कि हमको एक तो वक्त नहीं दिया गया जीएसटी के बारे में समझने के लिए, ना हमारा सीए ना हमारा अकाउंटेंट पूरी तरह इससे अवेयर है। परेशानी ये है कि कल दिन हम जो माल बेचते हैं, आज कस्टमर ले गया और वापस करता है वो, तो जीएसटी हमने जो पे कर दी वो जीएसटी हमारी कैसे वापस आएगी, इसके बारे में कोई क्लियर हमको बताया नहीं गया है। मैं ही बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है। जब गुड्स वापस आएंगे तो उसका आप एक रिवर्स चार्ज का इनवॉइस बनाएंगे और आप उसका क्रेडिट ले लेंगे। कोई मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिफिकल्टी इससे नहीं है। पीयूष जी, ये जो वकील हैं, जो टैक्स लॉयर हैं या सीए हैं, इनकी दुकानें तो नहीं चमक जाएंगी? एक्चुअली अभी अभी वित्त मंत्री जी ने इसका भी खुलासा किया, बाय चांस मैं तब तक पहुंच गया था कि वास्तव में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो उल्टा ये चिंतित है कि उनका दुकान बंद हो जाएगी, अब उनको ऑडिट और प्रोफेशनल सर्विसेज के नए माध्यम ढूंढने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ विसल ब्लोअर्स भी बन जाएंगे, जो लोग गलत काम करते हैं उससे अच्छी आमदनी हो जाएगी, जो लोग चोरी करते हैं टैक्स की, इनकम टैक्स नहीं भरती है, शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उनके विशल ब्लोअर्स बनने में हमें प्रेरित करना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो ये था कि भाई सर्विस टैक्स ऑफिस जाना है तो सीए का बिल बन रहा है और वो जा रहे आ रहे, रिटर्न भर रहे, असेसमेंट करा रहे, एसएससी को बोलता था भाई ये असेसमेंट कराने के लिए 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए लग जाएंगे, अब वो सब खत्म। आप ईमानदारी से अपना सेल इनवॉइस डालिए जरूर, अगर आपका दामन साफ नहीं है तो आपको जरूर वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी। जो व्यक्ति अपने सेल इनवॉइस ईमानदारी से पूरे दिखा दे उसको आज के बाद कोई वकील कोई सीए की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, क्या नाम है सर आपका? ब्रिजमोहन मेहता जी। मंत्री जी को शुक्रिया अपनी एसोसिएशन की तरफ से, जो मैं 5-7 ऐसे से जुड़ा हूँ। मेरा सवाल है, कल शाम को मोदी जी ने कहा कि जो पिछड़े राज्य हैं वो बराबरी में आ जाएंगे, जैसे बिहार है, पूर्वी यूपी है, ये कब तक, कब और कैसे उन पर ऐसा क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें दो चीजें महत्व की है। पहली बात तो जब टैक्सेस और ईमानदार व्यवस्था देश में बन जाए और लोग अपना ईमानदारी से टैक्स भरने की आदत पड़े, थोड़ा सोच बदलने में थोड़ा समय लगेगा, पर विश्व भर का यह अनुभव है कि टैक्स बढ़ता है जीएसटी आने से, और वो बढ़ता इससे नहीं है कि आपके ऊपर बोझ है, क्यों आपके ऊपर तो बोझ कम होगा, इनपुट क्रेडिट पूरा मिलेगा।